को धनवंताश्वय जानिए जाके राम नाम धन हो। आपने सुना होगा, बड़ी प्यारी भजन है। और माताएं, ये आप उधर क्या देख रहे हैं? उधर उधर क्या हो रहा है? व्यास गद्दी की तरफ मुड़ करके बैठिए, इधर बैठिए। अभी ओ भगवान, अभी लिहा है सब कि हमने अंगना नहीं बुहारा, हमने अंगना नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मल कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, नहीं बुहारा हमने अंगना नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आए पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखिया, किसी पंत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, पंत भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आए भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने अंगना नहीं बुहारा, हमने अंगना नहीं बुहारा।
तारा कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। सच्चिदानंद भगवान की जय। भैया समय ज्यादा है भी नहीं और भगवान की कृपा से मौसम भी सही हो गया है और सही रहेगा, सही रहेगा। हनुमान जी का जयकारा लगाते रहो, सब छोड़ जाएगा। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। और जोर से बोलो, बोल हनुमान जी महाराज की जय। जितना जोर बोलोगे उतने दूर मौसम भाग जाएगा, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। जैसे बादल छट जात एक पवन के झकोरा से, बादल छट जाता है, बादल छट जात एक पवन के झकोरा से, वैसे पाप घट जात घर संत के आए से, पाप घट जाता है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। कीर्तन करिए आप लोग, किसी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए, और जे के मुंह बंद रहे कीर्तन मा वह जाना उनके काम जाना, हम काउ कहे। हमारे बाबा जी ने मानस में बड़ी सुंदर पंक्ति दर्श आई है कि जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करत राम गुण गाना, जी सुदाद ये जमाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदाद ये जमाना। क्यों कि जो भगवान का गुणगान नहीं करता, उनका कीर्तन नहीं करता, उसका जीवन कैसा है? ध्यान दें, उस व्यक्ति का जीवन, उसकी जिंदगी कैसी है? जैसे मेघा, जी ही सो दादुर, मतलब मेढक के जीवन की तरह उनका जीवन है। दादुर कहते हैं मेढक को, रामायण में लिखा है कि जो भगवान का कीर्तन नहीं करता, जी मतलब जीवन, सो माने उनका, दादुर मेढक की तरह उनका जीवन है। इसलिए मनुष्य की जिंदगी में मेढक जैसा बर्ताव ना हो नहीं पाए। दूसरी बात बाबा जी ने दर्शाया कि पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हर चरित ना जो हर साथी, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हर चरित जो हर साथी। इसका उत्तर सुनिए, कुलिस कहते हैं पत्थर को, सुने कुलिस माने पत्थर होता है, कठोर माने पत्थर बड़ा मजबूत होता है। क्या उदाहरण है कि जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन नहीं सुनना चाहता, जिसके दिल में भगवान का प्रेम नहीं है, उसका हृदय पत्थर के समान है।
कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि चरित न जो हर साथी। और तीसरी बात बाबा जी दर्शा रहे हैं कि जो नहीं सुने राम गुण गाना, जो नहीं सुने राम गुण गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं 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 गाना। श्रवण रंध्रे भवन समान, श्रवण रंध्रे भवन समान। इसका भी उत्तर सुन लीजिए, एक गाना नहीं, मैं गाना नहीं गा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, समझा रहा हूं। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जो भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहता, भैया सुनो भैया, जो सुनना नहीं चाहता, आदमी सुनता किससे है? कान से सुनता है ना माता जी, कोई चीज कान से सुनते हैं। थोड़ा आप लोग आगे आके बैठे, ये बीच में रास्ता क्या कथाएं खाली है। हे भगवान, आगे आके बैठिए, ये बालकनी क्यों खाली है? तो जो भगवान की कथा कानों से नहीं सुनना चाहता, उसके कान के जो छेद हैं वो कैसे हैं? अहि माने सांप, क्या होता है? अहि माने सांप। और भवन, भवन में एक आदमी नहीं रहता, भवन में ढेर सारे लोग रहते हैं, तो इस कलिकाल रूपी जो पाप हैं वो सांप बन करके जैसे एक घर में प्रवेश कर जाए, उसी तरह उस भवन में उस सांप के बिल के समान है उसका कान। जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, उसकी कान के छिद्र सांप के बिल के समान है। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि गिरजा सुनहु राम जी के लीला, गिरजा सुनहु राम जी के लीला, गिरजा सुनहु राम जी के लीला, गिरजा सुनहु गिरजा गिरजा, गिरजा सुन राम जी के लीला, गिरजा सुन राम जी के लीला, राम जी के लीला। सुर सुरहित तनुज विमोहन सीला, सुरहित तनुज विमोहन सीला, विमोहन सीला। हे पार्वती, भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करो, बोल सच्चिदानंद भगवान की, दोनों हाथ उठा के जयकारा, बोल भागवत भगवान की। अरे भाई, आज मेरी सरकार आने वाले हैं ना, सरकार आने वाले हैं, एक लाइन याद आ गया कि सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे सरकार आए, हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हो क्या? हजारों बारे की सुना होगा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, सजा दो घर को
गुलशन श्याम।